अब हमारे जो मज्ज़ मेहमान हैं जो आज इस मौके के इस मौक़े की मुनासबत से इजहार ख़याल फ़रमाएंगे मैं सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इजहार ख़याल के लिए तशरीफ़ लाएँ अवज़िलरम बिसमिल्लर रहीम रबली सदरी वयसरलीमरी वालतमिल्लिसानी यफ़ कौली रबि ईदनामा सदक़ल आज की इस बावकार और बामकसद तकरीब के सदर शब्बीर साहब कैसर खालिद साहब इस्टेज पर तशीफ़ फरमा, मज़ीज़ मेहमान और सामी निकराम अलमैकम वरक सबसे पहले मैं आज के महात्मा गांधी पीस अवार्ड याफ्तान को अपनी जानब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये तकरीब हमारे अपने माशरे में एक बेहतर का कानवान बनेगी एक सेहतमंद माशरा क्या होता है एक सेहतमंद माशरे में क्या होते हैं आमाल हम सब जानते हैं कि माशरे में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं अच्छे काम होते हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं बुराइयों को कदकन लगाना बुराइयों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छाइयों को बढ़ावा देना अच्छाइयों की तरगीब देना ये भी उतना ही ज़रूरी होता है लेकिन हम अगर अपने माशरे की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो हमें ये बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमारे माशरे में अच्छाइयों को तरगीब देने का अमल तकरीबन नदारत है बहुत कम हम लोग अपने माशरे की अच्छाइयों पर नज़र करते हैं उनकी पहचान करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं मैं मुबारकबाद दूंगा आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स को कि उन्होंने माशरे से नेक काम अच्छे काम करने वालों अफराद को मुंतखब किया उनकी अच्छाइयों को जाना समझा और आज उसे आवाम के सामने लाने का एक काम किया बेहतर माशरे की तश्ील में अच्छाइयों की तरगीब एक तरबियत के प्रोग्राम के तहत होती है लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में तरबियत का प्रोग्राम तरबियत का खाना तकरीबन खाली है तालीम आम हो रही है बहुत ज़रूरी है उसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है लेकिन सिक्के का दूसरा रुख जो तरबियत का है जिसमें अच्छाइयों की तरगीब और बढ़ावा देना भी एक उसका ज़ुज़ है ये हमारे माशरे में बहुत कम होता है और यही वजह है शायद कि हम अपने माशरे को अक्सर मनफी अंदाज से ही देखते और सोचते हैं जबकि बात भी सच है कि हमारे अपने माशरे में बेशुमार अच्छाइयाँ मौजूद हैं बेशुमार अच्छे लोग मौजूद हैं बेशुमार नेक काम किए जाते हैं लेकिन शायद क्योंकि हमारा मिजाज उस मिजाज उस तरह का नहीं बना है इसलिए हम उनकी तरफ न नज़र करते हैं ना उसको अहमियत देते हैं और ना उसको बढ़ावा देते हैं मैं आज के इस प्रोग्राम के केिमेदारान को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तरगीब देने और अच्छाइयों को बढ़ावा देने का एक कदम उठाया है यकीन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसके प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाइए ताकि हमारे माशरे में जो तरबियत का खाना खाली है तरगीब देने का जो खाना खाली है अच्छाइयों को बढ़ावा देने का जो खाना खाली है तकरीबन उसके ऊपर और ज़्यादा लोग सामने आएँ और उसको और आगे बढ़ाएँ मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गलबन मेरे तीन बिन खत्म हो गए जजाक लिदारन वालेकुम